कीबोर्ड से प्रोग्राम कैसे खोलेंगे, ठीक है। कीबोर्ड से पेंट खोलना है, तो पेंट खोलने के लिए क्या करोगे, बिन की और आर दबाओगे, ठीक है। यहाँ पर लिख के आ रहा है, फिर बार इसको तो हटा दो, इसको बोलते हैं रन, बोलते हैं इसको रन। रन में हम यहाँ पर लिख देंगे MS PAINT। MS पेंट जब लिखते हैं तो वहाँ पे पेंट प्रोग्राम खुल जाएगा, इसको या तो एंटर कर लो या फिर माउस से ओके कर लो। मैं टेबल ओके कर कीबोर्ड से, आप कीबोर्ड से एंटर कर सकते हैं। तो ये खुल गया MS पेंट, और उसको बैक करना है। और उसको बंद करोगे तो अल्ट के साथ में ऊपर F4 आता है, अल्ट दबा के F4 कर दो तो ये बंद हो गया। और उसके बाद में तुम्हारा आता है नोट पैड करते हैं, जैसे नोट पैड में टाइपिंग करते हैं, उसमें STL टाइपिंग होती है, तो बिन की आर दबाओ, यहाँ पे लिख दो नोट पैड, नोट पैड, एंटर कर दो, नोट पैड खुल गया। कीबोर्ड से इसको अगर बड़ा कर सकते हैं तो अल्ट स्पेस एक्स दबा दो, मतलब अल्ट स्पेस एक्स, ये फुल साइज हो जाता है पूरा, अल्ट स्पेस एक्स, और छोटा करना है अल्ट स्पेस एक्स। क्लोज करने के लिए अल्ट F4 दबाओगे तो क्लोज हो जाएगा, जो प्रोग्राम खुलेगा उसके लिए। अगर एम्स वर्ड खोलना है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, शॉर्ट में उसको एम्स वर्ड बोलते हैं, तो बिन की आर दबाओगे तो यहाँ पर बिन वर्ड लिखोगे, बिन वर्ड लिख के आ रहा है WORD, बिन वर्ड, एंटर, खुल गया तुम्हारा। एम्स वर्ड बोलते हैं उसको, वर्ड पैड तो पहले था, वर्ड पैड इसी का होता है, कंप्यूटर की एसेसरीज में होता है, विंडो के साथ मिलता है। एम्स वर्ड ये अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है, अल्ट F4 से ही बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एम्स वर्ड का ये प्रोग्राम होता है एक्सेल, तो यहाँ पे एक्सेल लिखोगे, एंटर करोगे तो एक्सेल खुल जाएगा। ये एक्सेल में क्या करते हैं अपने, ये बिल इनवॉइस है, इस तरह टेबल है, हाँ, फॉर्मूले यूज होते हैं इसमें, इससे तुम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, माइनस बड़ा भाग ये साइज ये इसमें कर सकते हैं, इसको भी इससे बंद करते हैं, ठीक है। ये बाद में बताएंगे तुम्हें सारी चीज़ से, तो ओपन कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, सीखते हैं। अल्ट के साथ F4 बंद हो गया, चलिए। एम्स वर्ड का एक प्रोग्राम और होता है पावर पॉइंट, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है पावर PNT, एंटर कर दोगे, हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा पावर पॉइंट खुल गया। इसको भी अल्ट F4 से बंद कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ एडिटिंग करोगे तो यहाँ पे पूछेगा कि सेव करना है या नहीं, सेव करना है तो यस, नहीं करना है तो नहीं, क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारे प्रोग्राम कीबोर्ड के द्वारा खोल सकते हैं।